इंसाफ दो, 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 माता की जय। ये तो हमने सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इशारा दिया है, इस लाइट का इशारा है कि जल्द से जल्द हमें काफिल बच्चों का जो इंसाफ है मिलना चाहिए। आज 3 महीने हो गए, कार्रवाई नहीं, 3 महीने हो गए, हमारे घर में तो ना कोई खाना पीना कुछ भी नहीं, हम सभी बीमार पड़े हैं, हमारा ये हाल है ना कि हम क्या बताएं, हम कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन हमारी सरकार जो है ना वो तो ऐश कर रही है, उनको क्या है, अगर किसी मिनिस्टर के बच्चे होते ना तो 4-5 दिन में ये केस उनका सॉल्व हो जाता, ये एक गरीब माँ के बच्चे थे, लेकिन इस गरीब माँ के बच्चों का इंसाफ नहीं हुआ। सरकार मुझे ये बता दे कि किस कारण ये इंसाफ क्यों नहीं हो रहा इन बच्चों का, या तो वो सरकार हमारी इंसाफ दे रही है तो ठीक है, अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो हमें साफ बता दें कि हम इंसाफ बच्चों का नहीं दे सकते। भारत माता की जय। जी जिसके नतीजे में तो उसे 5 साल पहले जो हमारे बीजेपी ने बयान दिया था उसमें उन्होंने सीधा कहा था पाकिस्तान से आए थे, उसके बाद जो है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो गुस्से की लहर दौड़ रही है, सारे लोग जो है वो सदमे में है, काफ़ी देर से 3 महीने हो गए सारी एजेंसियाँ यहाँ लगी हैं लेकिन किसी नतीजे पर कोई भी एजेंसी वो नहीं पहुँच पाई है, तो सीधी सी बात है कि आज जो है हमारा फ्रेंड्स मार्च से जो निकली गई है, कल हमारी जो यहाँ पर एक मीटिंग होगी, मीटिंग में वो जो एक आज तो खाली एक गांव की यहाँ से जो कैंडल मार्च निकाली गई उसके बाद जो तय की जाएगी घर घर गांव गांव में से ये कैंडल मार्चें निकलेंगी, लोगों के अंदर दहशत का माहौल है, अगर ढांगरी जो है सेंटर में आकर जो इंसीडेंट हुआ तो काफ़ी लोग जो दूर दराज एरिया में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा जो है वो इतनी नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो ये कहीं ना कहीं हादसा जो यहाँ पर हुआ है ये दोबारा से ये हादसा ना हो, आज लोगों के अंदर जो है बड़ा दहशत का माहौल है, जो लोग चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते लेकिन कम से कम जो बाकी जो लोग हैं उनको ये तो पता चले ये कहाँ से लोग आए थे और कहाँ गए हैं, इसके लिए आज मैक्सिमम जो लोग हैं जो डांगरी के बाहर आए हैं कल सुबह जो है हमारे ये मीटिंग होगी, मीटिंग में जो भी डिसाइड किया जाएगा उसके बाद जो आंदोलन की रूपरेखा जो आगे तैयार की जाएगी, आगे से आंदोलन शुरू होगा।